अबुआ आवास वंचित योग्य लोगों को अबुआ आवास मुहैया कराने को लेकर सहित अन्य मांग को लेकर सोमवार को अज्ञाकुंड प्रखंड प्रमुख संगीता महतो के नेतृत्व में अज्ञाकुंड प्रखंड कार्यालय के समक्ष पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और अबुआ आवास से वंचित लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। प्रमुख संगीता महतो ने कहा कि ये सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, अबुआ आवास जो गरीब को मिलना चाहिए। और कुछ कुछ ऐसे मान लीजिए कि पंचायत पंचायत में सर्वे करके कुछ कुछ नाम गरीब का नाम चयन भी हुआ, लेकिन जब गरीब को पता चला कि हम लोग का नाम उसमें डाल चुके हैं सूची में, जब मेरा नाम आ चुका है, जियो टैग भी कुछ कुछ हो गया है, फिर भी उस लिस्ट से लाभुक का नाम हटाया गया है जो योग्य लाभुक है। ये सब इतनी बड़ी मतलब समस्या है कि हम बोल के भी उजागर नहीं कर सकते हैं कि जो आज देख रहे हैं हमारे माताओं बहनों यहाँ पे आके बैठी हुई है, इसी मकसद से यहाँ पे आके बैठी हुई है कि उनको वो आवास मिले, क्योंकि वो सही मतलब मान्यता से उनको जरूरत है। लेकिन ग्यारकुंड प्रखंड का जो अधिकारी का इतना खराब रवैया है कि सूची में बार बार बोलने से ये बात उनके कानों में पहुंचाने से भी कि उनका लिस्ट से नाम हट गया है, या फिर उनका जो पहले से आप लोग सर्वे कीजिए, शुरू से इस चीज को आप सुधार कीजिए कि जो योग्य लाभुक के उनका नाम चढ़ाइए, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ है। कुछ कुछ जो बेयोग्य है वो लाभुक का सुन रहे हैं कि अभी 10% राशि भी आ चुका है। लेकिन हम लोग का आज धरना देने का मुख्य कारण यही है कि अबुआ आवास का जो सूची में गड़बड़ी हुई है उसका आप सूची ठीक कीजिए, सुधार कीजिए। लिस्ट अभी तक भी फाइनल लिस्ट मेरे हाथ में अभी तक नहीं लगा है कि किनका बन रहा है किनका नहीं बना, लेकिन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो योग्य लाभुक है और इनका सूची से नाम हटाया गया है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।